पास भी 1 GB रैम या 2 GB रैम है और ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ भी नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर रहे हो ओपन वर्ल्ड गेम फॉर 1 GB रैम 2 GB रैम पीसी और आपको कुछ अच्छे गेम मिल नहीं पा रहे। कुछ ऐसे 11 ओपन वर्ल्ड गेम लेके आए जो आपको GTA 5 का मजा देने वाले हैं। तो वेल गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या, सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जैसी को भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। तो वेल गाइस, जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम ड्राइवर 3 2004 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट रिफ्लेक्शंस के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है, जो मेन प्लेयर रहता है जॉन टैनर, जो कि एक अंडरकवर कॉप FBI एजेंट रहता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 सिटीज पे भेजा जाता है कि भैया जो कार स्मगलिंग हो रही है उनका आप पता लगाओ और किसको बेचा जा रहा है और वो कौन खरीद रहा है। तो हमारे जॉन टैनर भैया रहते हैं, वो ये पता लगाने के लिए जाते हैं। अंडरकवर कॉप का जब आपको काम मिलता है तो काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पिनवर्ल्ड है यहाँ पर, आप वाइल्ड कम्युनिटी मिशन यहाँ पर पूरा फ्री रोम कर सकते हो, इधर उधर भटक फटक सकते हो, कार चला सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें डेढ़ नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन भी करा चलो यार थोड़ा FBI अंडरकवर किया जाए तो कूद फान के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। पर सेकंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है सैंस रो 3। एंड सो सैंस रो 3 की बात करें तो 2011 का एक काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम रह चुका है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वैल्यूएशन THQ के द्वारा। बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों, ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम में टोटली आप एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हो, जहां पर आपको अपने एनिमी से फाइट करना पड़ता है। काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस दिए जाते हैं। मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम पूरा एक्शन से भरा हुआ है, जरूर से आप इस गेम को ट्राई करना। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10 GB के आसपास स्पेस खाली रहेगा इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 2। एंड वेल गाइस, जस्ट कॉज 2 की बात करें 2010 का एक काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप एंड पब्लिश किया गया है स्क्वायर निक्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। एक अंडरकवर एजेंट होती है, जहां पर आप खतरनाक मिशंस का सामना करना पड़ेगा। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है इस गेम में, आपको सिटी एंड जंगल का दोनों का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इस गेम का सबसे यूनिक फीचर मेरे को ये लगता है ग्रैपलिंग, यहाँ पर आप कुछ भी ग्रैप हो कहीं भी जा सकते हो। आपको गेम में काफी सारे टास्क कंप्लीट करने में हेल्प मिलता है। एंड वेल गाइस, गेम में आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो। कार चला सकते हो, एरोप्लेन चला सकते हो एंड गन्स, काफी सारे यहाँ पर आपको गन्स देखने को मिल जाएंगे। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। एंड इस गेम में और मेरे को सबसे अच्छा ये फीचर लगता है, इस गेम में आप बिल्डिंग्स उड़ा सकते हो काफी सारे ग्रेनेड लॉन्चर के यूज करके, तो काफी मजा आने वाला है। जरूर से इस गेम को खेलना। इस गेम के और भी पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जस्ट कॉज 1 एंड जस्ट कॉज 2 एंड जस्ट कॉज 3। तो जब आपका भाई थोड़ा अच्छा खासा PC हो जाए तो जस्ट कॉज 3 खेल लेना। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। स्लीपिंग डॉग की बात करें 2012 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। एंड पर्सनली बताऊं तो GTA सीरीज के बाद ये सबसे फेवरेट गेम है मेरा। ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद करते हो तो अगर उस गेम में आपको कुंफू कराटे मार्शल आर्ट देखने को मिले तो भैया गेम खेलने का मजा ही कुछ और आता है। तो गेम में वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इस गेम में आपको GTA जैसा कार चलाना, GTA में रोम करना, मिशंस कंप्लीट करना, वो सभी चीजें इस गेम में आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया, अलग अलग मूव को ट्राई कर सकते हो जो कि इस गेम को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ये गेम सेट है दोस्तों के एक सिटी पे, जहां पर आपको एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, बेसिकली रात के टाइम। स्टोरी आपको काफी पसंद आने वाला है, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वी शेंग, वो एक अंडरकवर कॉप एजेंट रहता है, सफाया करने के लिए आता है ये सिटी पे। अगर आप इस गेम को खेलते हो तो भैया मैं यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार जब खेलना चालू करोगे तो एंड करके ही दम लोगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा कुनफू कराटे कर लिया जाए तो खुद फान के जाओ इस गेम को
तो स्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द गॉडफादर 2। एंड द गॉडफादर 2 की बात करें तो 2009 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। में बेसिकली आप एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हो। अब भाई गेम का नाम से ही हमें पता चल जाता है गॉडफादर एक माफिया टाइप का गेम है दोस्तों। इस गेम के ऊपर डेडिकेटेड एक मूवी भी बनी हुई है। तो अगर आप मूवी का मजा गेम में लेना चाहते हैं जरूर से खेलना चाहिए। पर आपको अपने अपोनेंट गैंगस्टर को यहाँ पर डिफीट करना रहता है। बेसिकली वाइल्ड कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों चैलेंजेस मिशन देखने को मिलने वाले हैं। एक्शन से भरा हुआ है दोस्तों। इधर फ्रीली रूम कर सकते हो, कार चला सकते हो, इधर उधर भटक फटक सकते हो। मतलब जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है तो माफिया वाफिया बन लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टोटल ओवरडोज। टोटल ओवरडोज की बात करें एक थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है SCI गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। बारे में बताने का मेरे को कोई भी जरूरत नहीं। इस गेम को मैक्सिमम लोगों ने खेला ही होगा। अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है और इस गेम का जो सबसे मेन इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है इस गेम में आपको काफी एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। मेन कैरेक्टर टॉमी रहता है वो वाई सिटी वाला टॉमी वाला सिटी वाले टॉमी का याद दिला देता है जो कि भाई दोनों काफी डेंजरस रहते हैं। में आप गन्स गाड़ियां भी काफी सारी लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो भाई आपको जरूर से इस गेम को ट्राई करना चाहिए। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 512MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 3GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है माफिया 2। माफिया 2 की बात करें 2010 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। एक GTA सीरीज के फैन है और आपको ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद है तो भैया माफिया 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। 2 PC है तो भैया माफिया 2 आपके लिए सोने पे सुहागा है क्योंकि इस गेम में आपको फुल्ली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस गेम में आपको काफी सारे एक्शन से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिलेंगे। इस गेम की जो स्टोरी दोस्तों वो 20 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है एंड इस गेम का जो गेम प्ले दोस्तों उसका क्या कहना, काफी मजेदार यहाँ पर आपको गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। स्टोरी में आपको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि कभी यहाँ पर आप रोकी की तरह एक बैंक लूटते हो, आप प्रिजन से निकलने का सोच रहे हो, फिर आप कभी माफिया की बड़ी गैंग के साथ फाइट कर रहे होंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा यार माफिया वाफिया बन लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। एंड इस गेम के आप फर्स्ट पार्ट को ट्राई जरूर करना माफिया 1 को, वो भी काफी अच्छा गेम है। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ट्रू क्राइम NYC। NYC की बात करें तो 2005 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया राउंड डेवलपमेंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम में आप न्यूयॉर्क सिटी पे जाते हो जहां पर आप एक अंडरकवर कॉप रहते हो, पर आपको जो लोकल माफियाज रहते हो गैंग मेंबर जाते हो एंड यहां पर आपको उस माफिया को पूरा न्यूयॉर्क सिटी से यहां पर आपको सफाया करना पड़ता है। मिशन दोस्तों यहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। साथ साथ इस गेम में आपको काफी अमेजिंग मिशंस भी देखने को मिलने वाले हैं। मिशंस कंप्लीट करोगे तो पूरा न्यूयॉर्क सिटी को यहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फिटक सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 3GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द सिमसिम हिट एंड रन। तो बल्कि द सिमसिम हिट एंड रन की बात करें तो 2003 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। डेवलप किया गया रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया फॉक्स इंटरैक्टिव के द्वारा। आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। ये काफी सिमिलर है। गेम में टोटली 3 मैप आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग कैरेक्टर का रोल होल्ड करते हो एंड इस गेम में आपको GTA 3 जैसे कार ड्राइविंग मैकेनिक्स देखने को मिल जाते हैं। गेम काफी फनी एंड इंटरेस्टिंग है। इस गेम को आपको जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 512MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर।
10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स। 2006 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रेडिकल एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है टोनी मोंटाना, जो कि मायमा ड्रग ट्रेड्स को कंट्रोल को वापस पाने के लिए वो दूसरे गैंग्स को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देता है। अंडरवर्ल्ड में अपनी जो पुरानी रेपुटेशन थी उसको वो फिन से बना लेता है। मैं आपको काफी भर के एक्शन देखने को मिल, जन फाइटिंग, पुलिस से पंगे लेना, किसी को भी ठोक देना, कार चलाना, इधर उधर भटकना, तो ये सब चीज इस गेम में आप कर सकते हो। कम सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपके पीसी लैपटॉप पे चल जाएंगे। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, तो आपको काफी मजा आने वाला है। गेम में आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 512 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो भैया कोई डेट नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें, 4 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एलनोरी। एलनोरी की बात करें 2011 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। तो ये गेम 1940s के रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। आपको लॉस एंजेलिस के अंदर जो भी इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, वो सभी इस गेम में आपको फेस करने को मिलेंगी। गेम की स्टोरी की बात करें तो काफी अच्छी स्टोरी दोस्तों इस गेम में आपको देखने को मिल जाती है। जितने भी हमने गेम देखे होंगे उसमें माफिया या गैंगस्टर का अपन किरदार निभाते हैं, बट इस डिटेक्टिव गेम में यहाँ पर आपको चोरों को पकड़ना रहता है। स्टिल जो ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम्स का जो आपको फन देखने को मिलता है, वो इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी चलाना, गन फाइट एंड सिटी में इधर उधर भटकना, फिटकना, फ्री रोम करना, तो ये सभी चीज इस गेम में आप कर सकते हो। तो अगर आप एक डिटेक्टिव वाला अच्छा गेम खोज रहे हो तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, 12 में रीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें, 9 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। यही कुछ 11 गेम थे आपके 1 GB रैम या 2 GB रैम वाले पीसी लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों से जरूर शेयर करना। भाई जिनके पास अच्छा खासा पीसी लैपटॉप नहीं और वो ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं, तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।